नमस्कार दोस्तों, मैं क्रेजी बिशप ऐप में 12th लेवल पर गेम खेल रहा हूँ। ये ब्लैक पेन सीरीज़ का वीडियो है जिसमें आपको पता ही है कि मैं यहाँ पर हर बार पहले एक गेम वाइट से खेलता हूँ D5, फिर ब्लैक से खेलता हूँ। ये ऐप मैंने डाउनलोड करी है प्ले स्टोर से, जिसमें 100 लेवल्स हैं और अभी मैं 12th के ब्लैक से खेल रहा हूँ। इन सभी सीरीज़ के अलग अलग नाम इसीलिए रखे गए हैं ताकि आगे जाके NF6 जब आप इस कोर्स को कंप्लीट करें तो आपको ये पता चले कि कौन से सीरीज़ में गेम किस तरह से क्या खेला जा रहा है, फॉर्मेट क्या था उस सीरीज़ का। ND2 खेला उसने, मैं स्पॉन को कैप्चर कर सकता हूँ, तो मैं करना चाहूँगा नाइट से N×D4। E3 खेला उसने, नाइट पे अटैक है NC6। NB3, ये अलग अलग फॉर्मेट मैंने इसीलिए रखे हैं ताकि कोई भी प्लेयर जब इसमें प्रैक्टिस करे तो उसको गेम इम्प्रूव होने में उसको मदद मिले। NH3, मैं खेलूँगा 0-0। इसके पहले मैंने जो बाकी की सीरीज़ निकाली है, जैसे इसी क्रेजी बिशप ऐप में QD3, मैंने ब्लू पेन सीरीज़ के वीडियो मैंने पोस्ट किए थे। उसमें आइडिया ये था कि 9 पॉइंट, 5 पॉइंट्स और 3 पॉइंट्स, इन सभी जिसको हम कहते हैं मटेरियल हैंडीकैप्स या ऑड्स भी कहते हैं इसको, सॉफ्टवेयर में ऑड्स लिखा हुआ आता है। जब हम मैंने आपको क्वीन हटाकर दो वीडियो ब्लू पेन सीरीज़ में मैंने बनाए थे, आइडिया ये था QD7 कि प्लेयर को जब किसी भी गेम में अगर कोई एडवांटेज मिलता है मटेरियल का, तो उसके बाद उसको गेम में विन करने के लिए E×F4 हमेशा चेकमेट के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है। वो चाहे तो सिंप्लीफिकेशन स्ट्रेटजी F×E3, यानी सेम पॉइंट से सेम पॉइंट्स की लड़ाई करके भी गेम में विन कर सकता है। Q×E3। अब मैं यहाँ पर खेलूँगा RFE8। उसने लॉन्ग कैसल करी है, तो मैं खेलूँगा यहाँ पर Bf5। Qf2 खेला उसने, मैं खेलूंगा यहां पर Rd8। Ne2 आया है, ब्लू पेन सीरीज में जैसा मैं बता रहा था, अगर आप 9 पॉइंट अप हो जाते हैं प्लेयर की गलती से, आपके ओपोनेंट की गलती से, तो उस फॉर्मेट में प्लेयर को कैसे गेम विन करना चाहिए वो मैंने बताया था। अब यहाँ पर हम दोनों लोगों ने अलग अलग ऑपोजिट साइड कैसल करी है, तो अटैक का फॉर्मेशन थोड़ा हमको चेंज करना होगा। तो पहले एक मूव आ रहा है मेरे पास Ne4, उसकी क्वीन पर अटैक करते हैं। उसने खेला है Qe3, मैं यहाँ पर खेल सकता हूँ D4, 1-2-3, इधर भी मेरे पास 1-2-3 है, यानी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसने खेला है Nxd4, मैं भी खेल सकता हूँ Nxd4। अगेन N×D4 आया है, तो मैं खेलूंगा Q×D4। Q×D4 आया है, मैं खेलूंगा R×D4। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं बिल्कुल आपके सामने ही मेरे मोबाइल में मैंने ऐप पर मैं खेल रहा हूँ,
और प्लस मैं फिज़िकल चेस बोर्ड का भी यूज़ कर रहा हूँ कि जिससे मैं यहाँ पर मेरा आई कांटेक्ट बचा सकूँ। अब उसने मेरे रुक पर अटैक करा है तो मैं खेलूँगा C6। अब ये बिगिनर लेवल है, 12th लेवल है, उसने खेला है बिशप क्रॉस C6, तो मैं खेलूँगा B क्रॉस C6। अब आपने देख ही लिया है कि 3 पॉइंट्स मुझे पहले मिले थे D4 स्क्वायर पर, और 3 पॉइंट्स उसने मुझे यहाँ दे दिए हैं। तो उसके पास 2 रुक्स प्लस 1 बिशप है, मेरे पास 2 रुक्स प्लस 1 बिशप के अलावा एक बिशप और नाइट एक्स्ट्रा है। उसने खेला है Bishop E3। तो जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि मैं यहाँ पर मोबाइल भी ऑपरेट कर रहा हूँ, गेम भी खेल रहा हूँ, मेरा आई कांटेक्ट भी बच रहा है, मेरी प्रैक्टिस भी अच्छे से हो रही है, क्योंकि आगे हमेशा मुझे टूर्नामेंट में इसी टाइप के चेस बोर्ड पर खेलना होता है। यहाँ पर मैं खेलूँगा सिंप्लीफिकेशन R क्रॉस D1। जैसे ही गेम में यहाँ पर ये सभी रुक और बिशप, जैसे रुक हैवी पीस है, बिशप और नाइट माइनर पीस होते हैं, ये जैसे ही बोर्ड पर से एक बार ये पीसेस एक्सचेंज हो गए RD8 चेक, तो मुझे गेम विन करने में काफ़ी आसानी होगी। KE2 खेला उसने, तो मैं खेलूँगा Bishop G4 चेक। उसने खेला है KE1। तो ऐसे केस में ये होता कि पीसेस एक्सचेंज होने के बाद मैं क्वीन बनाता किसी भी अपने पॉन्स को आगे ले जाकर और गेम में विन करता। अब जो पोजीशन आप बोर्ड पर देख रहे हैं, जैसा कि बोर्ड पर पोजीशन बनी हुई है, D2 और F2 स्क्वायर मेरे नाइट ने रोक रखे हैं, E2 स्क्वायर मेरे इस बिशप ने रोका हुआ है, और अभी मेरे पास एक मूव आ रहा है जो कि है RD1। और अब आप जैसा कि देख ही रहे हैं कि यहाँ पर चेकमेट हो गई है। पहले मेरा प्लान था कि मैं बिशप और रुक्स को एक्सचेंज करवाता, लेकिन अब अटैक मेरा अच्छा आ गया जिस वजह से यहाँ पर विन हो चुकी है। तो अब इस गेम को रिकॉर्ड किया जाए, इसके रिजल्ट को। जैसा कि आप चार्ट में देख चुके हैं, ये मैंने क्रेजी बिशप ऐप का चार्ट बनाया हुआ है। इसके पहले वाला मैं 11 के वाइट से जीता था, अब मैं 12 के ब्लैक से जीता हूँ। तो मैं यहाँ पे जीतने के लिए कैपिटल लेटर W लिखूँगा, W फॉर विन। और अब मैं आज की डेट डालूँगा, चार्ट देखकर आप समझ रहे होंगे कि मैंने कैसे गेम स्टार्ट किया था। फर्स्ट के वाइट, सेकंड का ब्लैक, थर्ड का वाइट, फोर्थ का ब्लैक, फिफ्थ का वाइट, इस तरह से मैं 12th का ब्लैक मैंने जीत लिया है। अब इसके आगे मैं 13 के वाइट से खेलूँगा। ये वो दो वीडियो थे, क्वीन ऑड्स वाले या मटेरियल हैंडीकैप्स वाले, जिसके लिए मैंने इन वीडियो को अलग ही ब्लू पेन सीरीज़ का नाम रखा है। अब आप इस पोजीशन को ध्यान से देखते हुए कि किस तरह से गेम खेला जाता है, आप अपने स्टूडेंट्स को या अपने बच्चों को इसी तरह से मोटिवेट करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।